उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में ईवीएम वीवीपीटी मशीन की ट्रेनिंग द्वारा अध्यापक व अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वोटरों को अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व नगर इलाकों में वोट डालने की तकनीक बताई जाएगी और वोटरों को वोट डालने में कोई परेशानी या उनका वोट कैंसिल ना हो, इसलिए अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा वोटरों को जागरूक करा जाएगा। ईवीएम मशीन से वोट डाले जाएंगे और वोटरों को ईवीएम मशीन के बारे में भी समझाया जाएगा। वोटरों को वोट डालने की तारीख व समय भी बताई जाएगी और गांवों में जाकर कैंप लगाकर वोटरों को वोट डालने का सही तरीका बताया जाएगा। एक्चुअली लोकसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ रहे हैं, तो एक नई मशीन आई है लोगों के विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, वीवीपैट मशीन। तो उसी के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है। मैं टीचर हूँ प्राथमिक विद्यालय शेरपुर पट्टी सेकंड से, तो उसी की ट्रेनिंग के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है आज तहसील सभागार में। बैलेट की बजाय ये बटन सिस्टम से जो ये ट्रेनिंग दी गई है हम लोगों को, कि गांव में जब भांतियाँ फैली हैं उसको भी ईवीएम की ट्रेनिंग हम लोगों को दी गई है आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए, जिससे हम लोग जहाँ हम ड्यूटी देने जाएंगे वहाँ के ग्रामीणों को अच्छी तरह से इससे अवगत करा सकते हैं। कितने आप सभी टीचरों को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी जाए? जी, इस तरह तो यही कि ईवीएम जो है सबसे सेफ, मतलब सेफ है, आप जिसको वोट देंगे उसे को ही आपका वोट जाएगा। टीचरों को बुलाया है, क्या ये पूरा मामला है? सारे टीचर्स को जो ईवीएम वीवीपैट है उसके ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। उनमें से अधिकांश लोग बीएलओ भी हैं, तो पहले भी उनकी हैंडसाउन कराई गई है। अब ये है क्योंकि चुनाव एकदम से अनाउंस हो गया है तो चुनाव मोड में आ जाए और पब्लिक में भी, अपने गांव में अपने बूथ पर जाके भी पब्लिक को भी जागरूक करेंगे कि ये पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है और बिल्कुल एकदम सेफ है और इसमें किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है। ईवीएम से